हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं लीट कोड कैच की वीडियो। लीट कोड कैच की प्रॉब्लम का नाम है डिलीट द मिडिल नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में अपने को हेड दे रखा है एक लिंक लिस्ट का, मतलब एक सिंपल नॉर्मल लिंक लिस्ट गिवन है। अपने को करना क्या है, अपने को इस पूरी लिंक लिस्ट में से ट्रैवर्स करना है और उसकी जो मिडिल नोड है, मतलब अपनी लिंक लिस्ट की जो मिडिल नोड है उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है, अपने को अपने पूरे एरे, मतलब पूरे लिंक लिस्ट में से ट्रैवर्स करना है, उसका जो मिडिल नोड है उसको डिलीट करना है और अपने लिंक लिस्ट के हेड को रिटर्न कर देना है। यही अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक लिंक लिस्ट ले लेती हूँ 1 से लेके 9 तक की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब इस लिंक लिस्ट का मिडिल क्या है, इस लिंक लिस्ट का मिडिल ये 5 वाली नोड होगी। तो अपना क्या कर अपने को करना क्या है, बेसिकली अपने को 4 वाली नोड तक पहुंचना है किसी तरीके से। सॉरी गाइस, हाँ, अपने को 4 वाली नोड तक पहुंचना है किसी तरीके से। ठीक है, और 4 वाली नोड को 6 वाली नोड से पॉइंट करवा देना है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये वाला कनेक्शन काट के ये वाला कनेक्शन स्टेब्लिश कर देना है। ठीक है, तो 5 तक मतलब 4 के नेक्स्ट से अपन 5 पे नहीं पहुंचेंगे, 4 के नेक्स्ट से अपन सीधा 6 पे पहुंचेंगे। तो ऑटोमेटिकली अपनी 5 वाली नोड डिलीट हो चुकी है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपने हेड को रिटर्न कर देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के 2 तरीके हैं गाइस, इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो अपना बेसिक नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड तरीका है कि अपन पूरे लिंक लिस्ट में से इटरेट करेंगे। ठीक है, उस लिंक लिस्ट का साइज फाइंड आउट करेंगे, साइज को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मतलब अपना जो भी साइज आएगा साइज को डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, साइज बाय 2 -1 तक, मतलब 4 तक पहुंचेंगे, मतलब साइज अपना जो डिवाइड बाय 2 करने पे जो मिडिल एलिमेंट आया उसके पहले वाले एलिमेंट तक पहुंचेंगे और उसको नेक्स्ट के नेक्स्ट से पॉइंट करवा देंगे। ठीक है, एक ये हो सकता है अपना तरीका। ये तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका है, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है, बट ये ना थोड़ी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। ठीक है, अपन एक नए तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन एक स्लो फास्ट पॉइंटर मेथड का यूज करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, अपन एक पॉइंटर को रखेंगे हेड पे और एक पॉइंटर को रखेंगे अपन हेड के नेक्स्ट पे, मतलब 3 पे। ठीक है, हेड का नेक्स्ट क्या होता है 2 और 2 का नेक्स्ट क्या है 3। ठीक है, तो अपन अपने एक पॉइंटर को रखेंगे हेड पे और एक पॉइंटर को रखेंगे हेड के नेक्स्ट पे। ठीक है, अपन ने ऐसे रखा, जो पहले मतलब हेड पे पॉइंट कर रहा है ना उसको अपन बोलेंगे स्लो पॉइंटर और जो 3 पे पॉइंट कर रहा है उसको बोलेंगे अपन फास्ट पॉइंटर। अपन इसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो अपना स्लो पॉइंटर है ना वो सिर्फ एक स्टेप मूव करेगा और अपना जो फास्ट पॉइंटर है ना वो उसी टाइम पे 2 स्टेप्स मूव करेगा। ठीक है, तो जब अपना जो फास्ट पॉइंटर है वो नोड की मतलब लिंक लिस्ट के लास्ट पे पहुंच जाएगा ना, तो अपना जो स्लो पॉइंटर है वो सिर्फ मिडिल के 1 -1, मतलब मिडिल के जस्ट पहले वाले एलिमेंट तक पहुंचेगा। ठीक है, फिर जो स्लो पॉइंटर है वो मिडिल के एक पहले वाले एलिमेंट तक पहुंच रहा है, अपन क्या करेंगे उसको नेक्स्ट के नेक्स्ट पे पॉइंट करवा देंगे। ठीक है, और अपना क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखो अब ये कैसे होता है, ठीक है, अपन ने क्या किया, अपन ने एक स्लो पॉइंटर लिया, एक फास्ट पॉइंटर लिया। अब अपन क्या करेंगे, स्लो पॉइंटर को 1 मूव करवाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पे आया और फास्ट पॉइंटर को उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन 2 मूव करवाएंगे, तो ये 5 पे आया। ठीक है, वापस जो स्लो पॉइंटर है अपना वो 3 पे आया। ठीक है, और अपना जो फास्ट पॉइंटर है वो आया 7 पे। ठीक है, अब अपना जो स्लो पॉइंटर है वो आया 4 पे और अपना जो फास्ट पॉइंटर है वो आया 9 पे। ठीक है, अब 9 का नेक्स्ट नल है, मतलब जो 9 है वो अपने एंड ऑफ लिंक लिस्ट है। ठीक है, मतलब अपना जो फास्ट पॉइंटर है वो लिंक लिस्ट के एंड पे पहुंच गया है और अपना जो स्लो पॉइंटर है, ठीक है, वो अभी 4 पे पहुंच पाया, मतलब साइज बाय 2 -1, मतलब मिडिल के 1 -1 एलिमेंट पे ही पहुंच पाया अपना स्लो पॉइंटर अभी। तो अपन क्या करेंगे, स्लो पॉइंटर को उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट से पॉइंट करवा देंगे, मतलब अपन इसको यहाँ पे 6 से पॉइंट करवा देंगे,
ठीक है, तो ये वाला कनेक्शन टूट गया, मतलब 5 ऑटोमेटिकली अपना डिलीट हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, इस लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न कर देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है, और अगर एक ये वाला हुआ कि अपना लिंक लिस्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो अपना क्या होगा, अपना स्लो पॉइंटर तो हेड पे ही पॉइंट करेगा, लेकिन अपना जो फास्ट पॉइंटर है वो हेड के नेक्स्ट मतलब नल पे, मतलब 2 का नेक्स्ट क्या है, नल, ठीक है, उस पे पॉइंट कर रहा है। अब अपना फास्ट पॉइंटर नल पे पॉइंट कर रहा है, तो फिर अपन चेक करेंगे कि क्या जो अपने स्लो पॉइंटर के नेक्स्ट का नेक्स्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अपन क्या करेंगे, अपने स्लो पॉइंटर के नेक्स्ट को नल कर देंगे। ठीक है, तो अपनी लिंक लिस्ट में क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, और अपन इसी को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि देखो 1 और 2, इसकी साइज क्या है, 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या करेंगे, क्या होगा, 1। ठीक है, और अगर अपन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से चल रहे हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है कि अपनी इंडेक्सिंग क्या है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो अगर अपन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से चले, तो अपना 1 क्या है, 0th एलिमेंट है, और अपना 2 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, वो अपन ने डिलीट कर दिया, 1 के बाद सीधा नल को अटैच कर दिया अपन ने, और इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक कंडीशन ये वाली बनेगी। ठीक है, जब अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब स्लो पॉइंटर के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है क्या। अगर स्लो पॉइंटर के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल होगा, तो अपन सीधा जो स्लो पॉइंटर है उसके नेक्स्ट को नल कर देंगे, और पूरी नोड को रिटर्न कर देंगे। अब अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अपन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अपना कोड क्या रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अपन देख लेंगे कि क्या हेड का नेक्स्ट नल है। हेड का नेक्स्ट नल का मतलब क्या है, सिर्फ अपने लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अपना एलिमेंट कुछ भी हो, जैसे 3 हुआ, अपनी लिंक लिस्ट में सिर्फ 3 है। ठीक है, तो 3 का नेक्स्ट नल होगा, मतलब हेड का नेक्स्ट नल होगा। हेड का नेक्स्ट नल है, मतलब सीधी सी बात है, अपने पास एक ही एलिमेंट है, तो अपन उसी को डिलीट करके और नल रिटर्न कर देंगे, कि अब अपन अपनी एम्प्टी लिंक लिस्ट रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अपन ने नल रिटर्न कर दिया, नहीं तो अपन ने क्या बनाया, अपन ने एक पॉइंटर बनाया एन, एन को आप मान लो फास्ट स्लो पॉइंटर है। ठीक है, एन अपना स्लो पॉइंटर है, इसको मैं एन की जगह भले ही स्लो कर देती हूँ हर जगह पे, जो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, और पी को मैं कर देती हूँ फास्ट। ठीक है, तो अगर अपना फास्ट फास्ट इधर स्लो फास्ट फास्ट दो दो सेकंड गाइस, दो दो हाँ। अब देखो, अगर अपना हेड का नेक्स्ट नल हुआ, मतलब अपने लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू प्रेजेंट है, तो अपन क्या करेंगे, उसी वैल्यू को डिलीट कर देंगे, और अपन अपना नल रिटर्न कर देंगे कि अभी अपनी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, तो अपन एक एम्प्टी लिंक लिस्ट रिटर्न करती है। अब फिर अपन ने 2 पॉइंटर्स बनाए, एक स्लो एक फास्ट। स्लो को अपन ने हेड से पॉइंट करवाया, और फास्ट को अपन ने हेड के नेक्स्ट से पॉइंट करवाया। ठीक है, फिर अपन एक व्हाइल लूप चलाएंगे, मतलब अपनी लिंक लिस्ट में इटरेट करेंगे तब तक जब तक अपना फास्ट, मतलब अपना वो जो फास्ट वाला पॉइंटर है वो भी एग्जिस्ट कर रहा हो, उसका नेक्स्ट भी एग्जिस्ट कर रहा हो। मतलब जैसे अगर अपनी वो 1 से लेके 9 वाली कंडीशन थी, उसके अंदर अपना 9 तक आ गया था, तब अपने को टर्मिनेट करना था। ठीक है, तो 9 का नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 9 का नेक्स्ट नल है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अपना व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और एक अपना 1 और 2 वाली कंडीशन थी, जिसके अंदर नोड का नेक्स्ट नल था। ठीक है, नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, मतलब अपना जो फास्ट पॉइंटर था वो नल पे पॉइंट कर रहा था, तो अपन ने देखा कि अपना फास्ट पॉइंटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो नल पे पॉइंट कर रहा है, तो अपन ने व्हाइल लूप वैसे टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, जब तक फास्ट एग्जिस्ट कर रहा है, फास्ट का नेक्स्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तब तक अपने को अपने व्हाइल लूप को चलाते रहना है। और अपन क्या करेंगे, स्लो पॉइंटर को 1 आगे बढ़ाएंगे, मतलब स्लो को स्लो के नेक्स्ट से पॉइंट करवाएंगे, और फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट से पॉइंट करवाएंगे, मतलब उसको 2 स्टेप्स चलाएंगे अपन। ठीक है, जब ऐसा हुआ कि अगर फास्ट नल हो गया या फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे कि क्या स्लो का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो स्लो के नेक्स्ट को अपन स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे उधर 4, 5 और 6 वाली कंडीशन थी। ठीक है, तो 4 के बाद अपन को 4 को 6 से अटैच करना था, तो 4 के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब 4
किससे पॉइंट हो रहा है, मतलब 4 का नेक्स्ट क्या है 5, 5 का नेक्स्ट क्या है 6, तो 4 के नेक्स्ट का नेक्स्ट 6 एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे 4 को 6 से पॉइंट करवा देंगे। अपन क्या करेंगे 4 के नेक्स्ट में 6 डाल देंगे, अपन ये वाला कंडीशन मतलब ये वाला कनेक्शन तोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर अपना 5 ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। तो ये वाली कंडीशन है कि अपन चेक कर रहे हैं कि स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अगर स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन स्लो के नेक्स्ट में स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है। नहीं तो अपन बोलेंगे कि अपने को अपना लास्ट वाला एलिमेंट, मतलब जैसे इस वाली कंडीशन में थी कि अपने को अपना लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अपन इसके नेक्स्ट को मतलब 1 के नेक्स्ट को नल कर देंगे, ठीक है। तो फिर अपन ने स्लो के नेक्स्ट को नल कर दिया और फिर लास्ट में रिटर्न हेड कर दिया, मतलब अपने लिंक लिस्ट के हेड को अपन ने रिटर्न कर दिया। अब अपन एक बार इसको देख लेते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हाँ गाइस, ये एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है, ये बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है। तो होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आई और ये एफिशिएंट अप्रोच भी समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।